हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर टेक्निकल रिएक्शन यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, मैं नाजिरा आपके लिए लेके आई हूँ वेम्बो एक्स टू मैथ प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, मैंने वेम्बो ब्रांड की X5 प्रोजेक्टर को यूज किया है, जो एक जबरदस्त प्रोजेक्टर है और ये प्रोजेक्टर उस प्रोजेक्टर का छोटा भाई कह सकते हैं। ये प्रोजेक्टर अंडर 20K का एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें बेहतरीन ब्राइटनेस, कलर्स, पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो भी लाजवाब है। वेम्बो ने रिसेंट में आने वाले प्रोजेक्टर्स में काफी अपग्रेड किया है जो इन प्रोजेक्टर में दिखते हैं। वेम्बो के पुराने मॉडल के मुकाबले इन प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस, कलर्स और पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर में भी वही चीजें देखने को मिलेगी और ये जिस प्राइस में मिल रहा है, इस प्राइस में ये एक बेहतरीन प्रोजेक्टर है जिसे आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इस प्रोजेक्टर को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यह है वेम्बो X2 मैक्स प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के साथ आपको एक मैनुअल गाइड, एक वारंटी कार्ड, एक रिमोट, एक पावर केबल मिल जाएगी। प्रोजेक्टर की लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। प्रोजेक्टर के सामने के तरफ फोकस लेंस और वेम्बो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टर के दोनों साइड 5.5 वाट के दो स्पीकर दिए गए हैं जिसकी ऑडियो आउटपुट लाजवाब है। और फिर कमांडो कौन है? बैक साइड में आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे एक USB, दो HDMI, एक AV और एक हेडफोन पोर्ट मिल जाएगी। प्रोजेक्टर के टॉप में एक पावर ऑन ऑफ बटन और नीचे के तरफ 4 रबर फुट, साथ ही सेंटर में ट्राइपॉड माउंट थ्रेड मिल जाएगा। ये तो हुए प्रोजेक्टर की लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की हाईलाइटेड फीचर की बात। दोस्तों, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ आता है। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 450 लूमेंस है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 2000:1 का। लैंप लाइफ इस प्रोजेक्टर की 50,000 हावर्स की है। कंपनी के हिसाब से ये प्रोजेक्टर 250 इंच तक का मैक्सिमम स्क्रीन बना सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्टर में आपको एंड्रॉइड के वो सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5 इन और आउट के साथ। इसके अलावा फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, स्क्रीनकास्ट, मिराकास्ट, एयरकास्ट जैसे स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, डिजिटल जूम इन और जूम आउट जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन फीचर्स के साथ इस प्रोजेक्टर का जो प्राइस है वो आपको अमेजोन पे 16,989 का पड़ेगा और इस प्राइस में ये एक बेस्ट प्रोजेक्टर है। दोस्तों, इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही इजी है। आपको इस प्रोजेक्टर को किसी भी व्हाइट वॉल या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन के तरफ सेटअप करके प्रोजेक्टर को ऑन करना है। ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके फोकस कर लेता है और आपको कुछ ही सेकंड में शार्प इमेज बना के दे देता है। फिर भी आपको फोकस एडजस्टिंग मैनुअली करना है तो रिमोट में आपको दो फोकस एडजस्टिंग के बटन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मैनुअली फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर हमारे 12 फीट के कमरे में 110 इंच का स्क्रीन बनाता है और हमारे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है 106 इंच का है। प्रोजेक्टर के सेटिंग्स में 4-point कीस्टोन करेक्शन की मदद से हमने 106 इंच स्क्रीन बनाया है और इतने बड़े स्क्रीन में लाइटिंग कंडीशन में भी काफी अच्छी ब्राइटनेस, कलर्स और पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि किसी भी प्रोजेक्टर से आपको डार्क में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो इस प्रोजेक्टर से भी आप डार्क में सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस पा सकते हैं। दोस्तों,
जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, वेम्बो अपने रिसेंट प्रोजेक्टर में काफी कुछ अपग्रेड कर रहा है, जिसके वजह से पहले के मुकाबले अभी के प्रोजेक्टर्स में आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस, कलर्स और पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है। इस प्रोजेक्टर से आप अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए अपने कमरे में या फिर बड़े से हॉल में 120 से लेके 130 के आसपास का स्क्रीन भी बनाते हैं, तब भी आपको इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छी ब्राइटनेस और जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। ये प्रोजेक्टर 4K, HDR और HDR10 को सपोर्ट करता है, कंपनी क्लेम करती है। मगर जब मैंने इस प्रोजेक्टर में Amazon Fire TV Stick 4K का यूज किया, तो इसमें ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम 1080p 60fps का ही सपोर्ट दिखा रहा है। दोस्तों, हमने पहले ही अपने एक वीडियो में आपको ये दिखा दिया है कि कोई भी प्रोजेक्टर अगर 4K सपोर्ट करता है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर में बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। दरअसल 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है, ना कि आउटपुट रिजोल्यूशन 4K देता है। आपको किसी भी 1080p नेटिव रिजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर में आउटपुट 1080p ही मिलेगा, तो ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट शो नहीं भी करता है तो आपको वीडियो आउटपुट में कोई भी फर्क देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर मोड मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे पिक्चर कस्टमाइजेशन प्रीसेट मिल जाएंगे, या फिर यूजर में जाके आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, शार्पनेस जैसे सेटिंग्स को कंट्रोल करके अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हर प्रोजेक्टर की तरह ये प्रोजेक्टर भी ऑफिशियल एंड्रॉइड प्रोजेक्टर नहीं है। इनबिल्ट प्रोजेक्टर में आप यूट्यूब को छोड़ के किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में जैसे कि प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को आप मैक्सिमम रेजुलेशन में नहीं देख सकते। आपको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को फुल HD में देखना है तो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि Amazon Fire TV Stick, लैपटॉप, गेमिंग डिवाइस या Android TV बॉक्स, जिससे आप OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को फुल HD में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुए इस प्रोजेक्टर के ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी की बात, जो डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया है। वही दोस्तों, अगर बात करें इस प्रोजेक्टर की ऑडियो आउटपुट की, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इस प्रोजेक्टर का ऑडियो आउटपुट किसी भी मिनी साउंड बार के तरह है, जिसमें आपको काफी अच्छी क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ साथ हल्के फुल्के बेस भी सुनने को मिल जाएगा। आपके पास कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर या होम थिएटर सिस्टम नहीं है, तब भी आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू एक मिनी थिएटर वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, तो अंडर 17,000 में ये आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस, कलर्स, पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ एक जबरदस्त ऑडियो आउटपुट देती है, जो इस प्राइस रेंज में इस प्रोजेक्टर को बेस्ट बनाती है। आप अगर अंडर 20,000 के बजट में कोई प्रोजेक्टर लेने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो आपके लिए इस प्राइस में वर्थ ऑफ मनी है। और दोस्तों, कंपनी का कहना है इन फ्यूचर इस प्रोजेक्टर में अपडेट के जरिए HDMI ARC को भी इनेबल किया जाएगा, जिससे आप इस प्रोजेक्टर से अपने साउंड बार को HDMI ARC के साथ कनेक्ट करके 5.1 सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वेम्बो X2 Mac प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।